नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले चेन्नई में शशि थरूर को करारा झटका। 700 में सिर्फ 12 प्रतिनिधि ही आए बैठक में। दशहरे पर कर्नाटक के मदरसे में घुसी भीड़। जय श्री राम के नारे लगाए पूजा के 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल सिद्धारमैया ने दौड़ लगाई। भूपेश बघेल बोले तैयारी करके जाना पड़ेगा। किरण बेदी पुलिस कानून हाथ में नहीं ले सकती। गुजरात में युवकों को पीटने पर दी प्रतिक्रिया। मुंबई लोकल में सीट को लेकर भिड़ी महिलाएं। महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। एक महिला पुलिसकर्मी घायल। आगरा में डिप्टी सीएम के सख्ती के बाद 5 हॉस्पिटल के बेसमेंट सील। हॉस्पिटल संचालकों को दिया नोटिस। गोंडा में एसपी आकाश तोमर ने की बड़ा फेरबदल। अभिषेक सिंह को पुलिस लाइन से थाना खरगुपुर के प्रभारी निरीक्षक की कमान सौंपी। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। किसानों पर कुदरत का कहर बनकर बरस रहा पानी। राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर जारी। 24 घंटे में 42 नए मामले आए सामने। कई क्षेत्रों में अभी भी नहीं हो रहा है छिड़काव। गाजीपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। मारिजुआना को लेकर बाइडेन सरकार का बड़ा फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा गांजा पीने या रखने के आरोप में जेल से रिहा किए जाएंगे। ताइवान की चीन को 2 टूक। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा चीनी एयरक्राफ्ट सीमा में घुसे तो अब जवाब जरूर देंगे। फ्रेंच राइटर एनी को मिला लिटरेचर का नोबेल। कमेटी ने एनी के लेखन में साहस संवेदना का संगम। भाषा भी बहुत आसान। यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेताया पुतिन की परमाणु धमकी कोई मजाक नहीं। मैं जानता हूं उनको अच्छे से। थाईलैंड में बच्चों के स्कूल पर अंधाधुंध फायरिंग। 36 की मौत। हमलावर ने सुसाइड से पहले की पत्नी और बच्चे की हत्या। रोमांचक मैच में 9 रन से हारा भारत। संजू सैमसन की 86 रन की पारी भी नहीं जीत दिला पाई। साउथ अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे। कुलदीप ने बाबर के क्रिकेट की याद दिलाई। आखिरी बॉल तक लड़े सैमसन। लॉर्ड शार्दुल की खतरनाक बॉल पर बोल्ड हुए वामुआ। विमेंस एशिया कप में बड़ा उलटफेर। थाईलैंड के पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। इस टूर्नामेंट में पहली जीत। भारत को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने पूरा किया जीत का अर्धशतक। टॉप 5 में बनाई जगह। बीसीसीआई अध्यक्ष पद में सौरभ गांगुली की विदाई तय। रोजर बिन्नी बने इस पद के नए दावेदार। नहीं रहे एक्टर अरुण वालीस। 49 की उम्र में हुआ निधन। न्यूरोमस्कुलर बीमारी से जूझ रहे थे। ऑस्कर कैमेन में आरआर की धमाकेदार शुरुआत। बेस्ट डायरेक्टर के लिए राजमौली को किया नॉमिनेट। अनन्या पांडे का इंडियन लुक। ड्रीम गर्ल 2 की शूटिंग पर वापस लौटी। वीडियो शेयर कर फैंस को दी जानकारी। बाई का प्रमोशन करती दिखी रश्मिका मंदाना। व्हाइट टॉप ब्लू जींस में दिए पेपराजी को पोज।
सोहा अली खान की बेटी इनाया ने मनाई नवरात्रि। पूरे 9 दिन की माता की पूजा, बच्ची की श्रद्धा और भक्ति ने जीता फैंस का दिल। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।